हम मिलने वाले हैं आदर्श से। कितनी परसेंट आई थी 12th में? ओ लड़ाई हो रही है बहुत भयंकर। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज फाइनली आप लोग इतने टाइम से बोल रहे थे कि आदर्श के साथ व्लॉग नहीं आ रहा, आदर्श के साथ व्लॉग नहीं आ रहा, यार थोड़ा बिजी थे हम लोग। तो आज फाइनली हम मिलने वाले हैं आदर्श से। तो अभी ना यार एज यूजुअल उन्होंने हमेशा की तरह मेरे को टाइम कुछ और बोला, एंड अभी इतना लेट हो गया है। तो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और आज मैंने बनाई है पनीर भुर्जी। एक और चीज दिखाऊं, चाय की जगह मैंने बनाया है ग्रेप्स का जूस, अंगूर का जूस बनाया है। कितना टेस्टी, मजा आ गया। हेलो दोस्तों, तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। देखो मैं किससे मिलने आई हूँ। सैम से। हाय सैम। उए उए ओ शिट, काट दे सैम, काट दे, ए काट दे सैम, दे लाओ ये मेरे को दो, मैं देती हूँ। अरे सैम नहीं, सैम रुक जा, सैम स्पीक भाई, मजदूरी कर रहे। नहीं सैम, नहीं सैम स्पीक, सैम स्पीक, स्पीक। अरे मेरे यार दोस्तों, वैसे ही मैंने कल लेग्स मारी थी, मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं है और ये लिफ्ट ही ऊपर नहीं आ रही। पैदल पैदल जाना पड़ रहा नीचे और टांगे जो दुख रही है ना, मैं क्या बताऊँ। ये लोग भाग भी गए मेरे को छोड़ के। दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ, अभी क्या हुआ, मैंने लिफ्ट के बाहर भैया मैं वेट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है दर्द बहुत ज्यादा, मैंने लेग्स मारी थी और मैंने इतनी देर वेट करा, लिफ्ट ऊपर ही नहीं आई, आखिर में मेरे को पैदल ही नीचे आना पड़ा। और इसको देखो यहाँ पे, प्रीतिश भैया वर्सेस सैम। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत खतरनाक मैच हो रहा है, उत्तराखंड वर्सेस बिहार। जीत के आना, जीत के आना, जीत गए हम दोस्तों। उत्तराखंड वर्सेस बिहार में उत्तराखंड जीत गया है प्रीतिश भैया, प्रीतिश भैया और अर्पण। दोस्तों एज यूजुअल मैं प्रीतिश भाई का कमरा दिखाती हूँ, कितना साफ सुथरा है, कितना निकल बाहर निकल यहाँ पे, आपका कमरा साफ है। अब और अगर और को रूम देख के आते स्वर्ग है, इसके रूम में कोई बैठता ही नहीं है। देखो मेरे रूम में, इसके रूम में, सभी रूम में पंचायत बैठा। अरे ये रूम भी देखो, पर प्रीतिश भैया के रूम से बेटर है ये वाला भी। ये वाला रूम देखो, मैं इंस्पेक्शन करने आई हूँ। ओहो ये इस रूम में तो डेट का सेटअप हो रखा है, क्या साफ सुथरा है। यहाँ सिर्फ लड़कियां लाई जाती है। ये थोड़ा थोड़ा साफ सुथरा है, फैला हुआ है वो देखो, कपड़े उधर हैं, तो फैला नहीं रखने चाहिए। क्यों क्यों रखने चाहिए कपड़े फैला के? कपड़े फैला के तभी तो तुम जल्दी जल्दी पहन लोगे। ये कितना बढ़िया लॉजिक था, पर आपके पास तो क्लोजेट भी है ना, तो फैलाने क्यों? वो नहीं सारे गंदे मेरे इधर फेंके हुए हैं, इधर है सारी असलियत। तो वो कहाँ है, ठीक है फिर भी जिधर जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से तो ठीक है। और ये यहाँ प्रीतिश भैया को देखो कैसे सो रखे, एकदम चप्पल है बगल में, ये गंदगी। देखो दोस्तों ये सब ना मेरा करा धारा कुछ नहीं है, मैं तो 4-5 दिन तक था ही नहीं, यही थे भैया। अरे मैं था, मेरा शरीर था, बट मेरा मन तो हिमालय में है। दोस्तों मेरा शरीर यहाँ है, नश्वर शरीर हमारा, और हमारा मन जो है वो प्रभु की आराधना में लीन है। देखना सपना सपना ही रह जाएगा। आदमी का मन साफ होना चाहिए, आपका तो मन भी साफ नहीं है। सबको पता है कितना डिसेंट लड़का है प्रीतिश पवार, मैं तो खुद को भैया बोलने लग गया हूँ यार। मैं बोल रहा था प्रीतिश भैया। देखो सून मैं अपनी डीपी भी चेंज कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल की, फॉलो मी ऑन प्रीतिश भैया। भैया ने भैया को इतना भैया भैया फील हो गया कि भैया ने अपने चैनल का नाम भी प्रीतिश भैया। हाँ तो जब मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टा पे और सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो भैया हटा दो, कर दो दोस्तों फटाफट प्रीतिश भैया के 50,000, तभी तो भैया से सैया बनेंगे। सही बोल रहे हैं यार। और पता है मैंने शाउट आउट क्यों दिया, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। क्या बात है, अब भैया मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। मां कसम बोल बोल के ना प्रेशर डाल रही है यार। किसी आदमी के पास हो ना हो वो लोन लेके ले, इसके लिए तो मैं पर मेरे को सरप्राइज चाहिए, चाहे आप कैसे भी दो। यार हम है तो तुम्हें क्या गम है, ये हमें सिर्फ बोलने वाली बातें हैं।
मुझे भी चाहिए भाई, मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ। मैं कहा प्रीतिश भैया मेरा बर्थडे आने वाला है, प्रीतिश भैया मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मैंने भी प्लान किया सरप्राइज, थाईलैंड जा रहा हूँ। तू जा रहे, मैंने इतना खेल लिया ना आज, सच में लिटरली फील हो रहा है मेरे को कि थका हूँ मैं, नहीं तो और दिन मेरे को ना रिग्रेट मेरा था। मैं भी थोड़ा थक गई थी, मैंने नैप ले ली फिर। आज मैंने गुटखा खाया है दोस्तों, गुटखा पावर। दोस्तों जब से मैं आई हूँ ये लोग ऐसे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं कि लोग खुद ही खेल रहे हैं और मैं बोर हो जा रही हूँ, और अब कह रहे हैं दोबारा बैडमिंटन खेलने की। देखो यार तुम्हें भी पता है ये लड़कियाँ ऐसी ड्रामेबाज है। क्या कोई ड्रामेबाज नहीं, मेरे को चांस तो देते नहीं, इतनी बार मेरे को चांस तो देते नहीं, इतनी बार खिलाया ना, एक बार भी इम्प्रूव नहीं हुआ इसका गेम में, क्योंकि अच्छा नहीं खेल रही होता हूँ मैं बैडमिंटन। ब्लॉग में डाल देना बस। तो ऐसे थोड़ी होता है, एक बार खेलने से किसको आता है बताओ, खेलने चांस देनी चाहिए ना। आप खुद खुद खेलते रहोगे, क्या करूँ मैं बेचारी बैठी हुई हूँ वहाँ पे, दया भी नहीं आ रही किसी को मेरे पे। बैडमिंटन लेके आ भाई, अभी कुछ चांस मिलेगी तो भाई। देखो वापस इनका मैच शुरू हो गया और मुझे इन्होंने यहाँ बैठा दिया है वापस, यहाँ बैठी हुई हूँ मैं सुबह से और बस देख रही हूँ। वाह वाह, फिर मुझे कह रहे थे मुझे खेलना नहीं आता, फिर ये लोग मुझे कह रहे कि मुझे खेलना नहीं आता, इनको देखो क्या कर रहे हैं ये। मेरा वो जंप नहीं दिखाया होगा, दिखाया दोस्तों। यहाँ फिर से लड़ाई हो गई है, क्या मैं अंपायर हूँ? मुझे पता ही नहीं मैं अंपायर हूँ। ओ लड़ाई हो रही है बहुत भयंकर, लड़ो लड़ो। ऐसी होता है जो बेमांटी के पॉइंट, वही तो ये बेमांटी वाली बात करते हो, अभी वीडियो दिखा दूंगा सारा मैच हार रहा है। अरे भाई साहब अपन को गुस्सा आ रहा है, नहीं खेलना मैं, पर मुझे मजा आ रहा है। वो तो ये लोग मेरे को खेलने नहीं दे रहे, वरना इन सबसे अच्छा मैं खेलती हूँ। ये जीत रहे हैं प्रीतिश भैया, नाक कटा रहे हो यार आप, ऐसे सिखाया था मैंने आपको, चलो खत्म करो मैच। ओहो भैया को आग में जल रहा है ये बंदा, मेरे को लगा बांदर बोल रहे हो, बांदर तो है वो। आप लोग जीते और मेरे साथ तो आप लोगों ने स्कैम कर दिया, मुझे बोला मुझे खिलाओगे किसी ने, खेल लेना। पिछले वाले में ये गंदी तरीके से हारे थे, इस वाले में हमने कम से कम अच्छी टक्कर तो दी। भाई व्लॉगिंग जब से स्टार्ट किया ना तब से ऐसे लग रहा है कोई काम धाम नहीं है, इधर से आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं कुछ नहीं, ऐसे मस्ती कर रहे हैं सुबह से, घर में जा रहे हैं खेल रहे हैं। पर मेरे पास बहुत काम धाम होते हैं दोस्तों, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ तो मेरे असाइनमेंट्स होते हैं, हो गया है मुझे कॉलेज जाना होता है, मुझे पढ़ाई करनी होती है, मेरे पेपर होते हैं मेरे। हमने तो पढ़ा भी अच्छे से ठीक है, भले हमारा मन इधर लग गया कि वीडियो एडिटिंग यूट्यूब वगैरह कर ले, बट मैं बता दूं हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, तो तुम भी अगर पढ़ ले लिखो पढ़ेगा लिखोगे तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन होगा ठीक है, हमेशा सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। यस और यूट्यूब करो एकदम पार्ट टाइम, पढ़ाई करो फुल टाइम। यस मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ अभी फुल टाइम, यूट्यूब भी। मैंने अभी अपने मार्क्स वगैरह बता दिया ना सबके सब झंड हो जाएंगे, बट मैं बता नहीं हूँ सॉरी। अरे मैंने बताया पता है परसों स्नैपचैट में अपने मार्क्स, किसी ने मुझसे पूछा आपके 12th में कितने मार्क्स आते, मैंने बताया 93%, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा हम पढ़े लिखने वाले बंदे हैं। सच्ची में 93% आई थी मेरी 12th में बोर्ड्स में, और 10th में मेरी 84% आई थी। कितनी परसेंट आई थी 12th में? ये तो टॉपर रहा है 83 सब चीजों में टॉपर है भाई, गेम्स में टॉपर, इसलिए गेम्स खेलो पढ़ाई करो सब कुछ करो भाई, मस्ती भी जरूरी है तो सब करो, और उसके बाद लास्ट में डिसीजन चूज। सही बोल रहे हो आप, वैसे भी 10th वालों के बोर्ड्स आने वाले हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं हम आप लोगों को ठीक है, चलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। फ्री टाइम हो व्लॉग देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस हो जाए दो तीन मिस मतलब जैसे तुम्हारा पेपर वेपर हो जाए फ्री टाइम हो तो मस्त बैठ के अपना व्लॉग देखो। अभी पढ़ाई करो बोर्ड्स एग्जाम अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट जिन जिन के बोर्ड्स हैं, ऑल द बेस्ट सबको। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, अरे मेरी फॉलोइंग में देख लेना सैम लिखो के आ जाएगा अपना। तो दोस्तों फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपने घर, ये लोग मुझे छोड़ने आ रहे हैं। सैम बाय, तेरे से फिर मिलने आऊंगी, चलो फिर छोड़ने चलो मेरे को। ओके चलो, दिमाग का दही कर दिया यार, चलो 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 चलो। मैं तो बोल रहा हूँ गाइस इसको फटाफट एक बाइक ले ले, मैं बोलूँ स्प्लेंडर ले ले और उसको लेते हुए घूम एकदम मस्त, कोई लड़का नजर ही ना मारेगा, कोई लड़की स्प्लेंडर चलाए। लेती हूँ घूमना, कोई सेफ फील करेगी तो हमेशा के लिए। सैम रेडी हो रखा है छोड़ने जाने, अरे मुँह फेर रहे, मैं पहुँच गई हूँ घर, चलो ठीक है फिर टाटा बाय 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 प्रीतिश भैया। तुम जा रहे हो? हाँ तो इसे जाओ जाओ है ना, निकलो।
चलो बाय, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं आदेश लोगों के यहाँ से घर आ चुकी हूँ। काफी अच्छा रहा आज का दिन, काफी मजा आया। सैम से भी मिली, उन लोगों से भी काफी टाइम बाद मिली। बाकी मैं कह रही थी यार, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों की लड़ाई हुई है क्या, लड़ाई हुई है क्या। अरे कोई लड़ाई नहीं हुई थी यार, वो थोड़ा कॉलेज के साथ यार मैं इधर उधर बिजी थी, वो भी उधर उधर बिजी थे तो नहीं मिल पा रहे थे हम। बाकी ऐसा नहीं है यार, हम लोग दोस्त हैं, सब लोग दोस्त हैं अच्छे। एंड ऐसे बीच बीच में तो मिलते रहते हैं हम लोग, तो जब जब हम मिलते हैं आप लोगों को पता लग ही जाता है। तो ऐसे मत सोचा करो कि लड़ाई हो जाती है यार, ऐसा नहीं है, किसी की लड़ाई नहीं होती, सब अच्छे दोस्त है, सब बढ़िया है। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, कमेंट करो, लाइक करो, सब कर दो, भर दो सब, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा बर्थडे आ रहा है दोस्तों, तो मस्त व्लॉग आने वाला है बर्थडे का। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों।